हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ अपने टेरेस गार्डन पर, गार्डनिंग विद संध्या में। आपके सामने आपको दिख रहा होगा ये पौधा। ये किस चीज़ का पौधा है? ये गुल मेहंदी है जो कि सीजनल फ्लावर है और ये बहुत सुंदर खिलता है इस पे फूल। और ये बड़े ही आराम से ही लग जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये बहुत अच्छा लगता है। ये आप जुलाई से लेकर सितंबर तक लगा सकते हैं। ये कटिंग से भी लगता है और सीड से भी लगता है। अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं तो इसमें रूट हार्मोन लगाकर और इसमें आप रूट जर्मिनेशन कर सकते हैं, और सीड लगा रहे हैं तो सीड से भी लग जाएगा। और मेरी तरीके अगर आप इन दोनों ही से नहीं लगा रहे हैं, आप आराम से नर्सरी जाइए। नर्सरी में आपको ये हार्डली 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 20 रुपये तक जाता है बस। ये काफ़ी सस्ता पौधा होता है और बहुत ही अच्छे इसमें फूल आते हैं और काफ़ी गुच्छेदार फूल आते हैं। ये सिंगल पेटल भी होता है और डबल पेटल भी होता है। इसमें काफ़ी कलर आते हैं और मैं ये लगा रही हूँ सितंबर में। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। और इसकी सोइल मिक्सचर की बात करें तो इसे सैंडी सोइल पसंद है, भुरभुरी मिट्टी। भुरभुरी मिट्टी में ये अच्छे से चलता है। और इसकी अगर धूप की बात करें तो इसको धूप, ज़्यादा धूप नहीं पसंद है। इसे सिर्फ और सिर्फ सुबह की धूप पसंद है। और अगर आप इसका एक पौधा लगाते हैं तो इसमें कई पौधे लगा देंगे, कई पौधे निकलेंगे। और अगर आप इसे जैसे सीजनल फूल आपके निकल गए सारे के सारे और फिर भी आपसे बच गया, ये बचा रह गया, तो ये अगले सीज़न भी आपको अपने आप ही फूल देने लगेगा, क्योंकि इसमें अब फ्लावरिंग होने लग, जैसे सीजनल सीज़न आता है वैसे ही ये फ्लावरिंग करने लगता है और इसमें बहुत अच्छे से फूल आते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये इसकी स्टेम, ये रेड कलर की स्टेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें फ्लावरिंग भी रेड कलर की होगी। हल्की हल्की देख रहे होंगे आप, रेड कलर है इसका, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें रेड कलर के फूल आएंगे। इन्हें आप अपने गार्डन में जरूर से जरूर ऐड करें। ये लो मेंटेनेंस पौधा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, इसमें खाद पानी भी ज्यादा नहीं डालनी होती। अगर इसकी पत्तियों के बारे में बात करें तो इसमें कैटरपिलर का अटैक होता है जो कि पत्तियां खा लेते हैं, और बग भी लगते हैं। पर इसमें आप सिंपली नीम ऑयल का स्प्रे करें, नीम ऑयल स्प्रे करेंगे तो ये आराम से इसमें से हट जाते हैं और काफ़ी अच्छा पौधा चलता है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको लगा देते हैं तो एक हफ्ते तक तो उसमें तो कुछ भी नहीं जाएगा, ना ही पानी, ना ही खाद, ना ही कुछ और, ना ही फर्टिलाइज़र, कुछ भी नहीं, घर का भी कुछ नहीं चलेगा। ये एक हफ्ते के बाद ही आप इसके अंदर आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो कि आप घर में बनाते हैं। जैसे कि आप चाहें तो प्याज को जो छिलका होता है उसे आप अपने बॉटल में डाल दें और इसके अंदर पानी भर दें, और एक हफ्ते बाद उसके पानी को आप डाइल्यूट कर लीजिए। एक अगर इसके रेशियो की हम बात करें तो आप एक मग का वो लिक्विड फर्टिलाइज़र लीजिए और 15 लीटर की बाल्टी में पानी लीजिए और उसे आप मिक्स कर दीजिए और उसे आप दे दीजिए सारे पौधे में। आपके सारे पौधे बहुत अच्छे होंगे। और ये सब घरेलू है जिसके लिए आपको कहीं पे भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना ही कोई पैसा खर्च होगा। आपके घर से ही बहुत अच्छी सी आपकी
फर्टिलाइज़र होते हैं, खाद होती है, सारी आपके घर में ही मौजूद होती है, जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अगर आप भी ऐसे रिज़ल्ट पाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ट्राई करिए, जैसे कि मैं ट्राई करती हूँ। मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताती जो कि बहुत नई हो, जो कि मैंने कभी यूज़ ना करी हो। मैं पहले अपने पौधे पे यूज़ करती हूँ, तब आपको बताती हूँ कि ये इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो प्लीज़ आप भी मेरी बातों को मानिए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए ये सारी चीज़ें। आप बाहर से खाद लेके आते हैं, बाहर से सारी चीज़ें लेके आते हैं, उससे अच्छा आप अपने घर में ही ढूंढिए कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी जो आपके पौधे में बहुत हेल्प करती हैं और बहुत हेल्दी बनाती हैं आपके पौधे को। और ये सीज़न है कई ढेर सारे सीजनल फ्लावर्स लगाने का। सितंबर के मिड तक ही आप सारे सीजनल फ्लावर्स लगा सकते हैं, जैसे कि गेंदा हो गया, गुलमेंदी हो गया, पिटोनिया हो गया, जो कि बहुत अलग अलग कलर में आता है। और ये जो गुलमेंदी है वो भी बहुत अलग अलग कलर में आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से कलर्स होते हैं। और अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो आप का गार्डन पूरा रंग बिरंगों से भर जाएगा फूलों से, और महक तो इसमें आती ही है। और जो कि सीजनल है तो इसका तो आप बात ही क्या है सीजनल फ्लावर की। जैसे जैसे हम ठंडी के मौसम में बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे फूल जितने भी फूल होते हैं वो काफी हमारा गार्डन फूलों से भर जाता है और सुगंध से भर जाता है, और देखने में क्या ही बताऊं कितना अच्छा लगता है। और आपकी मन की शांति इससे कितने अच्छे से होती है वो तो क्या ही आप महसूस कर सकते हैं। जब आप लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप कितने अच्छे से आप अपने मन की शांति कर सकते हैं। अगर हम अपने नेचर से कुछ चाहते हैं तो हमें भी अपने नेचर को कुछ देना चाहिए। जैसे कि आप अपने एटमॉस्फेयर को बहुत साफ रखिए, जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो उसको यूज़ में लीजिए, जैसे कि आप प्लांटर्स बना सकते हैं। आपका कुछ भी अगर आपका पार्सल आता है तो जो पार्सल के डिब्बे होते हैं उसे आप कट करके कंपोस्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरीके प्लांट लगाने में यूज़ कर सकते हैं, उसे फिल कर दीजिए छोटा छोटा काट के, तो वो भी यूज़ में आ जाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यूज़ में लीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और नेचर को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी बातों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए अब लगाते हैं इसे गुलमेंदी को, और जैसे जैसे इसकी अपडेट होगी मैं आपको देती रहूँगी कि किस तरीके से फ्लावर्स खिल रहे हैं, कौन कौन से फ्लावर्स आए हैं, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा पौधा है तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये सिंगल पेटल का है या डबल पेटल का है, वो जब खिलेगा तभी पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊँगी जब इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी तब। और इसे हम जब लगाएंगे तो एक हफ्ते के लिए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एक हफ्ते के लिए इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, और वैसे भी इसको धूप नहीं पसंद है, इसे सिर्फ और सिर्फ सुबह की धूप पसंद है। आइए इसे लगाते हैं। ये देखिए, ये मैं इसे 10 इंची के गमले में लगा रही हूँ। इसकी रूटिंग बहुत अच्छे से होती है तो ये मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, पर अभी के लिए मेरे पास गमले निकाली थे तो मैं इसे 10 इंची के गमले में लगा रही हूँ। और इससे एक पौधा हम लगाते हैं तो इससे कई ज़्यादा पौधे निकल आते हैं। ये देखिए, इसे मैंने इससे फिल कर दिया, मैं इसमें मिट्टी भर दूंगी। अगर आपके पास सूखे पत्ते हो तो आप सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास है नहीं तो मैंने यही डाला है। अब मैं इसे सैंडी सॉइल मिक्सचर दूंगी ताकि ये अच्छे से चल सके। ये देखिए, मैंने फिल कर लिया इसे सॉइल से, अब मैं इसमें पौधा लगा दूंगी। नाजुक पौधा होता है, इसका आप ध्यान रखें।
रखें कि इसको सैंडी सॉइल नहीं पसंद है और धूप नहीं पसंद है। इसका दो बातों का आप ध्यान रखें। ये लग के तैयार है हमारा पौधा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है और मैं इसी तरीके अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और कमेंट करके आप ये बताइए कि आपने कौन से इस सीजन में कौन कौन से फ्लावर अपने गार्डन में ऐड किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।